पावन पर्व आज भी हर दिल में राष्ट्रीय भावना की मशाल को। आज जो 26 जनवरी वर्ष 2018 को हम लोग अपने देश का 69वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये आज एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग अपने सीआरपीएफ की जन्मस्थली के इस मेहता स्टेडियम में हम लोग 69वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम सभी की तरफ से, हम सभी अधिकारीगण की तरफ से और हमारे बल के चीफ की तरफ से भी और उनके परिवार की तरफ से भी, यहाँ पर जो उपस्थित हमारे गेस्ट हैं, हमारे अधिकारी हैं और जो जवान हैं, बहादुर जवान हैं, जो नव आरक्षी हैं, उन सब के लिए भी यह पहला अवसर है कि सीआरपीएफ का गणतंत्र दिवस किस तरह मनाया जाता है उनको देखने का, विटनेस करने का। उन सबको और उनके परिवार को हमारी तरफ से और साथ में नीमच की जनता को भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहादुरी का पुरस्कार होता है शौर्य चक्र, हमारे बल के दो अधिकारियों को मिला है और उसके अलावा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी 36 अधिकारियों और जवानों को मिला है। हमारे लिए बहुत ही अपार खुशी की बात है कि हाँ, हम लोगों को इस तरीके से और हमें प्रोत्साहित किया जाता है और साथ में हमें भी इस चीज़ से एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हम लोग भी आगे अच्छा काम करें। हाँ, 26 जनवरी ये तिथि ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन 1930 में जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा फहराया गया था और उसी के दिन पूर्ण स्वराज ये एक रेजोल्यूशन ले लिया गया था कि हम अपने देश को जल्दी आज़ाद करा के और सारा स्वराज हमारा होगा। संविधान सभा द्वारा जब ये संविधान तैयार कर लिया गया तो ये तिथि निर्धारित करनी थी कि किस तिथि को लागू किया जाए, तो 26 जनवरी ही को इसीलिए लागू करने की तिथि ये माना निर्धारित किया गया क्योंकि 1930 में रावी नदी के किनारे पहली बार एक ये जो स्वतंत्रता हमने लेनी है, पूर्ण स्वराज हमें लेना है, ये रेजोल्यूशन हमने लिया था। इस वजह से तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है और नीमच की जनता को और सभी लोगों को, ईटीवी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। हम सब समृद्ध हों, हम सब खुशहाल हों, जय हिंद। वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, एंटी नक्सल ऑपरेशन हों, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हों, इलेक्शंस हों, सीआरपीएफ आज के समय में सबसे वर्सेटाइल फोर्स है और देश की आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन रखने में बेहतर से बेहतर हमें जितना हम अच्छा कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और ये वो फोर्स है जिसने कई कुर्बानियां देकर देश की आंतरिक सुरक्षा को एकदम मजबूत किए रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये सुरक्षा, ये तंत्र, हमारी व्यवस्था और मजबूत से